हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं गाइस, आकाश में काफ़ी ज़्यादा बादल हैं। तो इस टाइम हम देखेंगे जो हमारे सोलर पैनल्स लगे हैं वो कितने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या बैटरी हमारी फुल चार्ज हुई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको पैनल दिखा देता हूँ नज़दीक से। जो हमारी पैनल लगी हैं वो लुमिनस की 330 वाट की लगी हैं। आपको मैं पीछे से बैक पैनल दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों आप, रखते हैं काफ़ी काली घटाएं आ रही हैं और ठंडी हवा भी चल रही है। तो चलते हैं आपको हम MPPT कंट्रोलर के पास लेकर। तो यहाँ से जो हमारे कनेक्शन का ये है नीचे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तेज़ हवाओं और बादल से आप समझ सकते हैं दोस्तों, कुछ ही समय में बारिश होने वाली है। तो चलते हैं आपको नीचे इन्वर्टर के पास, आपको दिखाते हैं। और हम आ गए हैं अपने कंट्रोलर के पास, तो नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारा जो MPPT स्विच है वो अभी ऑफ है और बैटरी हमारी 25 वोल्ट चार्ज हो गई है। पैनल से 122 वोल्टेज आ रहे हैं और आज के दिन में जो हमारा कंट्रोलर है उसने 1.3 यूनिट बनाई हैं। 3.5 एम्पियर से चार्ज हो रही है। काफ़ी बादल होने के पर भी हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। पैनल से हमें 100 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो MPPT होने का यही फ़ायदा है, करीब 100% तक से भी ज़्यादा हमारा जो घर का लोड है वो भी चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वर्टर पे हम अभी दिखाते हैं आपको जो हमारा लोड है वो कितना चल रहा है। जो यहाँ पर जो हमारे घर पर जो लगा है माइक्रोटेक का 2.2 KVA का इन्वर्टर लगा है, डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है ये, UPS ऑन दिखा रहा है। जो लोड है हमारा वो अभी 12% चल रहा है। जो लोड अभी हमारे यहाँ पर कुछ बल्ब जल रहे हैं और रेफ्रिजरेटर चल रहा है और एक फ़ैन। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि हमारा जो लोड है वो घर पर क्या क्या चल रहा है। तो हमारे इस रूम में यहाँ पर एक फ़ैन चल रहा है और हमारा एक रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है। तो और लोड भी मैं आपको जो रन करा के दिखाता हूँ अपने इन्वर्टर पर। तो यहाँ पर हमारे पास है एक हेयर ड्रायर, तो उसको हम प्लग इन करते हैं। तो हमने इसको फुल हीट पर कर दिया है। तो अब हम लेके चलते हैं अपने इन्वर्टर के पास, देखते हैं वो इन्वर्टर कितना लोड कंज्यूम बता रहा है। तो देख सकते हैं गाइस, जो हमारा इन्वर्टर है वो लोड को अभी बताएगा कितना जा रहा है। 78% लोड हमारा जो इन्वर्टर इस वक्त चल रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक प्रेस को भी चला दिया है। तो अब देखते हैं इन्वर्टर हमारा कितना परसेंट लोड दिखा रहा है। और देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा लोड है वो 102-104% तक चला गया है और जो हमारी बैटरी है वो अभी बल्क चार्जिंग में चल रही है, 3.5 एम्पियर से चार्ज हो रही है। काफ़ी बादल होने के पर भी हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। पैनल से हमें 100 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो MPPT होने का यही फ़ायदा है, करीब 100% तक से भी ज़्यादा हमारा जो घर का लोड है वो भी चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर PWM का कंट्रोल लगा होता तो शायद इस पर इतना लोड नहीं चला सकते, क्योंकि जो हमारी बैटरी है वो फुल चार्ज नहीं होती, क्योंकि जो PWM कंट्रोलर होते हैं वो वोल्टेज को कट करते हैं ओनली, और जो पैनल से जितने एम्पियर आते हैं उतने ही एम्पियर से बैटरी को चार्ज करते हैं। और जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं वो वोल्टेज को कट करके उसे एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे हमें यही फ़ायदा होता है कि बादल होने पर भी
जो हमारी पैनल से वोल्टेज आ रही होती हैं उन्हें ये कन्वर्ट करके एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर जो हमने BFD लगाई है वो किस तरीके से काम करती है उसका वीडियो जो मैं आई बटन में दे दूंगा, वो भी जाके आप देख लेना। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।